फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, वायरल वीडियो है, मैन कैचेस किड फॉलिंग फ्रॉम फिफ्थ फ्लोर, इंटरनेट लव्स रियल सुपरमैन। वाकई में रियल सुपरमैन ही है, फिफ्थ फ्लोर से बच्चा गिरा है और उसको पकड़ लिया। माय गॉड, अब देखते हैं कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिसने ये कैप्चर किया, ओ माय गॉड, वो मैं कह रही हूँ कि वो कैप्चर करने में लगा हुआ है और जो रियल हीरो है वो तो जाके बचाने में लगे हुए हैं। मैं तो अब ये सोच रही हूँ एक सेकंड के लिए, पर जैसे इन्होंने किया कि फोन पे थे, मेरे को लग रहा है बातें कर रहे होंगे, देखो वो कोई बच्ची लटक रही है, जैसे देखा खिड़की के बाहर, वो जैसे बिल्डिंग्स होती है ना जिसमें खिड़कियां खुल जाती है, कितना डेंजरस है कि ऐसे घरों में रहने नहीं चाहिए, यहाँ जाले लगवाने चाहिए लोहे के जो जंगले से होते हैं कि ऐसी बिल्डिंग में, वैसे लग रहा है बच्चे को, पेरेंट्स को पता नहीं चला, बच्ची ने खिड़की खोल के वो देखते देखते बाहर ही गिर गई और वो नीचे गिरने लगी थी। वो फोन पे बात कर रहे थे, उन्हें दिखा होगा, वो भागे गए, देखा कितनी स्पीड से भागे कि रुकने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो स्लिप होने वाले थे एकदम से वहां पे भाग के थी तेजी से रुकने में, और उसके बाद जब पकड़ना था, जैसे देखा कि लड़की नीचे, हाथ उसका छूट के गिर रहा है, फोन नीचे फेंका और लड़की को क्या कैच किया। It was amazing, unbelievable कि आप कैच कर लो इतनी स्पीड से, और स्पीड दिख रही है कितनी स्पीड से वो लड़की आ रही है, बहुत टफ बच्ची, बहुत टफ। देखिए पहली बात तो ये ऐसे लगता है कि बहुत टाइम था, उसमें कोई टाइम नहीं होगा, फोन पे बात करो, देखो गिर रहा, भागे
और देखो उनका एग्जैक्टली पता था कहाँ उन्होंने खड़ा होना है, और जब गिर रहा था दे ही न्यू कि वहीं पर ही बच्चे ने आना है, तो पता ही नहीं चला राइट। अब ना भागने जाओगे आगे पीछे बच्चा हो रहा है, तो कि कैसे आपको आगे गिर गया पीछे गिर गया एग्जैक्टली आप कैसे पता और जब हो रहा है आप आगे पीछे मूव करोगे अपने आप को अलाइन करोगे और इतना समय भी नहीं होता, बहुत तेजी से होता काम, और ऐसे करके एग्जैक्टली उस बंदे को पता था बच्चा कहाँ है, ऐसे ही वो स्टिल फोकस और पकड़ लिया पकड़ा साथ में उसकी वाइफ भी साथ में, पता नहीं वाइफ या जो भी लेडी थी साथ में उसके, जब आया और बच्चा काफी बड़ा बच्चा था और ऐसे लड़की थी लड़की लग रही और बच्चा पता नहीं क्यों वहां से कूद रहा था, हू नोस कूद नहीं रहा होगा, मुझे लगता है वो खिड़की से देखते देखते बाहर निकल गया होगा, पता नहीं बहुत डेंजरस था, कितना डेंजरस है ऐसे जगह, इसमें यही लग रहा है भगवान का हाथ लग रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो तो है कि ऐसा गिरना कि उस टाइम एक ऐसा बंदा खड़ा हो जो कैच कर सके, इतना उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और नीचे मतलब प्लेटफॉर्म हो जहां पे वो जा सके, वॉट इफ वहां पे ऐसा कुछ रहा है नीचे कुछ और हो आप जा ही ना सके, सीढ़ी वीडियो कोई ऐसी जगह बिल्डिंग हो, नॉर्मली जो बिल्डिंग होती है उसके आसपास पेरीमीटर होता है अंदर का, और वहां पे आप जा ही नहीं सकते, वो तो अंदर का पेरीमीटर है राइट, मतलब ये बिल्डिंग के अंदर तो थे नहीं, तो ऐसी बिल्डिंग जहां से खोना और वहां पे जाके उसको पकड़ना अमेजिंग, देख सुन के देख के पता है इतनी घबराहट और इंटेंसिटी और डिफिकल्टी भी है कैसे करके वो कितना ऐसे कर लेंगे, उनको तो यही था कि बच्चे को पकड़ लें, और तभी कह रहे हैं कि लंग्स वगैरह थोड़ा सा हुआ था बट नाउ बच्चा इज ओके, क्योंकि स्पीड बहुत थी यार जब मैंने देख, अगर आप वीडियो में देखो कितनी तेजी से गिर रही है बच्ची, इतनी तेजी से उसको पकड़ना भी कितना मुश्किल होगा राइट, कितना मुश्किल होगा बड़े बच्चे को, बहुत इंटेंस होगा और उसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल बच्चे को लेके गए होंगे, बट अगर मान लीजिए ये करते करते किसी से गलती हो जाए तो क्या होगा, राम ना क्या वो बंदा तो गिल्टी होके गया, अगर सामने नजरों के सामने अगर उसने कोशिश की मान लो कोशिश की और नहीं पकड़ पाया तो उसको क्या हाल होगा उसका, ओ माय गॉड वो सोचेगा बाय गॉड मैंने क्या कर दिया, मैं बचा ही नहीं पाया और मेरी वजह से ये हो गया, जबकि वो बंदा को हर कोई बोलेगा तेरी गलती नहीं है भैया, ऊपर से कोई गिर रहा है, बट फिर भी उसको लगेगा कि मैं क्यों नहीं मैंने ये मैं सोचो। तो ये सोचो जब ऐसी बिल्डिंग्स हैं या तो उस वहां उन बिल्डिंगों में बच्चे अलाउड नहीं होने चाहिए इतनी हाइट्स पे, अगर ये घर हैं मुझे तो लग रहा है घरों घर ही होंगे लोगों के अपार्टमेंट्स होंगे ये घर होंगे, और अगर बच्चे रह रहे हैं तो उन्होंने कुछ सेफ्टी के लिए इंतजाम किए क्यों नहीं है जो बिल्डिंग वाले हैं, या इसमें सेफ्टी वाली कोई बात तो नहीं, ऐसा तो नहीं रेलिंग पूरी बंद कर देंगे, मुझे याद आ रहा है कोलोराडो में भी जब हम लोग घर देख रहे थे तो कई ऐसी डेंजरस घर होते थे कि आप मतलब घर बनाया हुआ है पहाड़ के ऊपर, हमने जब घर ढूंढ देख रहे थे और उसमें आप देखो तो मतलब बालकनी सी जो पीछे बनी होती है जिसको यहाँ पे तो डेक बोलते हैं उसको, उसके नीचे देखो कुछ भी नहीं खाई, मैंने कहा ये कौन घर खरीदे, पहाड़ों में होते हैं पहाड़ों में आपने घर बना रखा है बहुत ही सुंदर एरिया इतना है अच्छा था, मगर अगर आप बाहर जाते हैं तो नीचे खाई रहे क्योंकि आपने तो पहाड़ पे बनाया है, और मैंने तो, इनको कहा मैं ऐसा कोई घर नहीं लूंगी जिसमें इस तरह का डेंजर हो, और जो बंदा दिखा रहा उसने भी कहा था कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये मतलब बनना ही नहीं चाहिए बच्चों का हो या नहीं हो, कोई घर ऐसा में कोई रह कैसे सकता है भैया, तो गया वो गलती हो, किसी का डॉग होता है किसी का पेट होता है कुछ भी हो सकता है यार, कोई आपकी आप क्या बच्चा नहीं है घर में कोई बच्चा आ जाए ये तो नहीं है, मगर आपको डिलिबरेटली वही तो इस टाइप दीवार को फांदना पड़ेगा तभी आप गिरेंगे नहीं, और यहाँ पे भी तो जो जैसे पुल वुल बनाए होते हैं पुलों में इतनी स्पेस बीच में दी होती है अगर कोई छोटा बच्चा जा रहा हो वो उसमें से निकल सकता है, मैं कई बार देखती हूँ तो मैं मेरे को तो लगता है मैं तो कई जगह पे ऐसे देखा हुआ, मैं कहती हूँ यार कैसे जंगले बनाए हुए कि कोई बच्चा इसमें से निकल के गिर सकता है, होता है यार वही इसमें भी दिखा है कि मतलब पर ये भगवान जी ने बचाया बच्चे को कि इस टाइम इतना डेंजरस था कोई खड़ा था वो भाग के आया उसने कैच कर लिया और बच्चे को बचा लिया, दिस इज अमेजिंग, ये कहते हैं कि सब जो कहते हैं ना वो कैसे एक वो होता है कि जब आपका टाइम नहीं होगा तो हाँ वही मतलब जैसे कहते हैं होता है ना वो जाकू राके सही मार सके, हाँ वही 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 एग्जांपल यहाँ पे था, कमाल है, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।